हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डू जीके वर्कशीट नंबर 3 एंड इन दिस वर्कशीट वी डू चैप्टर नंबर 5th। तो आपको 3rd और 4th चैप्टर आपको वो बुक में ही कराया जाएगा क्योंकि वो पिक्चर से रिलेटेड चैप्टर है। तो आप चैप्टर नंबर 5th रीजनल लैंग्वेजेस वाला ये चैप्टर है, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो इससे लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। व्हाट आर द लैंग्वेजेस स्पोकन। यहाँ पर आपको कुछ स्टेट के नाम दिए हुए हैं और यूनियन टेरिटरीज है इसमें कुछ, तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनके उनको लिखनी है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट है बिहार। तो बिहार में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है? भोजपुरी। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी, बिहारी। लेकिन जो भोजपुरी है वो मेन है। वेस्ट बंगाल में ये सबको पता होगा बंगाली। जम्मू कश्मीर में उर्दू भी बोली जाती है और कश्मीरी भी, तो आप दोनों लिखेंगे। दमन एंड नागर हवेली में, जो दमन में है वो आप बोली जा, क्योंकि दमन का जो एरिया है वो गुजरात से रिलेट, मतलब गुजरात के एरिया में, गुजरात के पास ज़्यादा पड़ता है, और नागर हवेली जो है ये महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली महाराष्ट्र में। तो दमन में जो है मेन गुजराती बोली जाती है और इसमें मराठी। गोवा में कोंकणी। असम में असमीज। मणिपुर में मणिपुरी। उड़ीसा में उड़िया। ये रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो सारी हमारी देश में हिंदी है और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश की वो हिंदी है, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। पंजाब में पंजाबी। हरियाणा में हरियाणवी। चंडीगढ़ में जो है वो हिंदी ही बोली जाती है या इंग्लिश। दिल्ली में भी हिंदी। अरुणाचल प्रदेश में निशी। हिमाचल प्रदेश में डोगरी। कर्नाटक में कन्नड़। तमिलनाडु में तेलुगु। केरल में मलयालम। महाराष्ट्र में मराठी। मध्य प्रदेश में बुंदेली भी बोली जाती है और बघेली भी, तो आप दोनों लिख लीजिए, बुंदेली और बघेली। राजस्थान में राजस्थानी। तो ये जो हैं ये वहाँ की जो स्टेट आपको दिए हुए हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेज हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पीडीएफ में आपको दे दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।